everyone, in this video I will show you how to paint a lady with the acrylic paints. So watch till end. इसके पहले आपने मेरे चैनल में कभी भी पेंटिंग से रिलेटेड आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था पेंटिंग का, इसीलिए मैंने कैसे करके बनाया मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी पेंटिंग ट्राई नहीं की थी, तो मैं इस बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं यहाँ फेविक्राइल की एक्रिलिक पेंट्स यूज़ की हूँ और मैं 6 शेड्स यूज़ की हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं ब्लैक शेड में थोड़ी सी वाटर मिक्स करके इसको हेयर में पूरा कर रही हूँ। ये कम्प्लीट इसे मुझे बनाने में 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन अगर मैं इसे ग्रेफाइट पेंसिल से बनाती तो जनरली 3-3.5 घंटा तो लग ही जाता। पर जो ब्रश यूज कर रही हूँ उसका नंबर 0 है, और मैंने और एक ब्रश यूज किया जो थोड़ी सी थिक है, वो 4 नंबर की है। यहाँ पर कहीं कहीं वाटर का यूज करके इसे ब्लैक शेड डाल रही हूँ, और कहीं कहीं मैं डायरेक्ट बस पेंट ही यूज कर रही हूँ। तो रेड कलर में मैंने ज़रा भी वाटर यूज नहीं किया है, थोड़ा सा इसे डार्क दिखाने की कोशिश की हूँ, और टिप में थोड़ा सा पिंक वाला छोड़ती हूँ चेरी टाइप्स, ताकि ज़्यादा रियल लगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे ब्लैक कलर से मिक्स करके थोड़ा डार्क और कहीं लाइट शेड दी हूँ। फिर पेंटिंग करने में सबसे ज़्यादा मुझे स्किन टोन देने में ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर पिंक के साथ रेड और थोड़ी सी ऑरेंज कलर मैंने मिक्स कर दी, ताकि थोड़ा मुझे स्किनी कलर मिले। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंटूरिंग करना था तो, और काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज लग रहा था, तो मैंने उसे फ्लैश टीन के साथ थोड़ा सा मिक्स करते करते उसे थोड़ा मिक्स करना ज़्यादा अच्छा समझा। और नोज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा पेंट करने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट अच्छा लगा था नोज़ में। मैंने ये फर्स्ट टाइम पेंटिंग की है, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद से और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं भी और ज़्यादा बेटर बना सकूँ। क्या ये भी ठीक ही है, बट थोड़ी सी कहीं कहीं गड़बड़ हुई है। थोड़ी सी ज़्यादा ऑरेंज हो गई, फिर मैंने बाद में इसे ठीक किया था। तो इसे फ्लैश टिंग के साथ थोड़ा थोड़ा मैंने, और मतलब लग रहा था कि मैं फाउंडेशन पोत दे रही हूँ उसे। खैर नोज तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, हाईलाइट किया हुआ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ मैंने सही से उसे कॉन्टूरिंग भी दी है, और कहीं पे पिंकिश वाला हो, मतलब काफ़ी बेटर मुझे लगा। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना लूँगी, बट बन गया। तो ये साड़ी जो है वो थोड़ी रेड और रेड बॉर्डर के साथ येलो साड़ी है। तो मुझे साड़ी भी बहुत अच्छी लगी, कहीं कहीं ज़्यादा मैंने रेड दिया है, कहीं कहीं हल्का दिया है, क्योंकि शेडो भी दिखाना था, और फ्रंट है फिर बैक है वैसा कुछ। तो अब मैं यहाँ पे 5 नंबर की ब्रश से मैं यहाँ पे पेंट की थी, और अभी ये मैं 0 नंबर की ब्रश से इसे डिज़ाइन दी। एंड मुझे थोड़ा सा डीप और रेड जाने के लिए मैंने इसे ब्लैक के साथ रेड को मिक्स कर दिया। हम लोग अपने फेस को मेकअप करते वैसे ही इस पेंटिंग को भी मेकअप करना था, मुझे तो वैसे ही लगा। और तो अभी मैं 0 नंबर के ब्रश से येलो कलर दे रही हूँ बॉर्डर में सारे के। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑलरेडी कॉन्टूरिंग कर चुकी थी ये की चेन की, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बस येलो कलर दे दिया। मैंने यहाँ पे फ्लैश टिंट के बाद रेड कलर मैंने दे दी है, और अब मैं हेयर्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी वाइट कलर से, तो नहीं हो पाई। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट विथ मी देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हमने फेस के लिए जो शेड तैयार किया था वो उसी को मैंने पूरा हाथ और मतलब हाथ में ही लगा दूंगी, और थोड़े से ब्राउन से मैंने थोड़े से हाइलाइट्स दे दी।
अब बची साड़ी की बारी। तो साड़ी में जहाँ से रेड है और डार्क रेड है वहाँ पे मैंने ब्लैक के साथ मिक्स करके डार्क रेड देती हूँ, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैं वाटर से मिक्स करके लाइट शेड देती हूँ। सो आई एम थिंकिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ आई विल डू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ इट्स हेल्पफुल फॉर यू देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव थम्स अप।